अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। प्रदेश महासचिव प्रवेश अग्रवाल एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने किया पढ़ेगा देवास तो बढ़ेगा देवास अभियान का शुभारंभ। किसी भी शहर एवं गांव के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां ये दोनों उपलब्ध हो वहां विकास तेज गति से हायता है। देवास में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने देखा है कि कई बच्चे जिनकी उम्र 16 से 25 वर्ष हैं, वे उच्च शिक्षा के लिए बसों में खड़े खड़े सफर कर इंदौर जाते हैं। क्या हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इनकी ये तकलीफ नहीं दिखती? मैं बच्चों की शिक्षा के लिए यह लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ देश की बेहतर शिक्षण संस्थाओं को खुद की जिम्मेदारी पर आमंत्रित करूंगा। शहर के वार्ड क्रमांक 13 के शिव मंदिर मयूर विहार मेंढकीचक में मप्र कांग्रेस कमेटी के महासचिव व नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने पढ़ेगा देवास तो बढ़ेगा देवास अभियान के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए यह बात कही। यह अभियान शिक्षा के क्षेत्र में देवास को उच्च पायदान पर स्थापित करने के उद्देश्य से प्रवेश अग्रवाल ने प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि देवास से बच्चे शिक्षा के लिए इंदौर अपडाउन करते हैं। महंगी कोचिंग और आने जाने का लगभग 10,000 रुपए अतिरिक्त खर्चा बच्चों के अभिभावकों को करना पड़ता है। उनकी यह तकलीफ देवास के जनप्रतिनिधि क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने आंखें बंद की है, लेकिन मैं इनकी तकलीफ को गहराई से महसूस कर देख रहा हूं। मैंने इसीलिए पढ़ेगा देवास तो बढ़ेगा देवास अभियान शुरू किया है। मैंने यहाँ के बच्चों की बेहतर शिक्षा का संकल्प लिया है। बच्चों को इंदौर अपडाउन नहीं करना पड़े और उन्हें देवास में ही उच्च शिक्षा हासिल हो सके, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगा। अभियान के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित आमजन उपस्थित थे। स्थानीय रहवासियों ने प्रवेश अग्रवाल सहित अन्य नेताओं का पुष्पहार से स्वागत किया। अग्रवाल ने देवास की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि देवास की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था का तो यह हाल है कि कई बार प्रसूताओं की जांच के लिए डॉक्टर उनके वार्ड तक नहीं जाती। इस प्रकार के मामले समय समय पर देवास की जागरूक मीडिया उठाती रही है, लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करते। हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हालात तो यहां तक गिर गए हैं कि महिला डॉक्टर हाथापाई तक उतर आई है। इससे देवास की छवि पर भी असर पड़ता है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी, ब्लॉक क्रमांक 2 के अध्यक्ष कल्याण सिंह, ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष प्रहलाद मिस्त्री, मंडलम अध्यक्ष महेंद्र सिंह, सेक्टर अध्यक्ष राहुल सिंह, रमेश व्यास, भगवान सिंह चावड़ा, गजेंद्र सिंह मेरखेड़ी, राहुल पंवार, रोहन वाघमारे, पंकज जोशी, साधना प्रजापत, गोलू हाजी, सागर सिंह, लक्ष्मण सिंह, जितेंद्र सिंह गौड़, संदीप बैरागी, नारायण ठाकुर, कपिल ठाकुर, पिंटू कुमावत, जितेंद्र पटेल, धीरज सिंह पटेल, मनोहर चौधरी, पंकज जाटव आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे। उद्देश्य हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रवेश अग्रवाल जी ने एक अच्छी योजना लॉन्च की है। यहाँ पर पढ़ेगा देवास तो बढ़ेगा देवास, ये कंसेप्ट हमारे उन नौनिहाल बच्चों के लिए है जो बेचारे छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं पर अभावों में उन्हें सही शिक्षा का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े घरों के बच्चे तो अच्छे अच्छे कॉलेजों में या विदेशों में चले जाते हैं, पर सही मायने में प्रतिभाएं हमें वहीं मिलती है जहाँ ग्रामीण अंचल होता है या छोटी बस्तियाँ होती है, वहाँ भी प्रतिभाएं बहुत है। अगर ऐसे में उन्हें तराशने का काम किया जाए, वो पत्थर हैं आज की तारीख में, उन्हें अगर सही रूप से तराशा जाए तो सही रूप में वो डायमंड हीरे के रूप में निकल के आते हैं। और शिक्षा का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चा सही समय पढ़ लिख लिया तो उसकी सारी जिंदगी, उसका परिवार फलता फूलता है और एक संस्कार जो परिवार को मिलते हैं वो मैं मानता हूँ कि शिक्षा के माध्यम से ही सबसे अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। मैं प्रवेश अग्रवाल जी को, उनकी टीम को बधाई देता हूँ। उन्होंने अच्छा एक नया कंसेप्ट चालू किया है और देवास के बच्चों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें साथ रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि सभी बस्तियों में और सभी वार्डों में जाकर इस तरह का हम कार्य करें जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार मिले। हमारे देवास का भी नाम रोशन होगा, उनके बच्चों के माता पिता का भी नाम रोशन होगा, हमारा समाज एक संगठित होकर नए संस्कारों की ओर आगे बढ़ेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक अभियान है, क्या नाम दिया गया और कहाँ से किसा शुरू किया गया है? ये देवास कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये पढ़ेगा देवास तभी तो बढ़ेगा देवास करके योजना चालू की है, जिसमें हम देवास के हर घर में जाएंगे, 50,000 घरों में जाएंगे, हर घर में जाकर पाठ्य सामग्री का वितरण करेंगे, साथ में जागरूकता फैलाएंगे। जिस तरीके से पिछले 32 सालों से
इस देवास की हालत कर दी गई है। यहाँ पे कोई शिक्षा संस्थान नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एकमात्र देवास का साइंटिफिक कॉलेज, जो साइंस कॉलेज था, उसकी हालत आपने देखी है कितनी दयनीय है। उसके लिए कांग्रेस पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रही है। एक भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे नहीं है। चिकित्सा की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सबसे महत्वपूर्ण इस समय जिम्मेदारी है कि हम देवास में शिक्षा बढ़ाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करें, क्योंकि तभी हमारा देवास आगे बढ़ सकता है। आज छोटी से छोटी चीज़ों के लिए इंदौर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों हमारे देवास में आज एक अच्छा कॉलेज नहीं हो सकते? एक भी अच्छे MBA कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी संस्थान नहीं है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं उन पर भी हालत इतनी बद से बदतर है कि कई जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ पे अध्यापक महोदय वगैरह नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं, देवास की जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि देवास की सरकार आती है, देवास का आप अगर प्रतिनिधि हमारा कांग्रेस से चुनते हैं, तो हम इन सब चीज़ों पर सीधे सीधे काम करने वाले हैं। और शुरू के 6 महीनों में ही आप देखेंगे जितने भी सरकारी यहाँ पे स्कूल हैं, जितने भी सरकारी चिकित्सा संस्थान हैं, इन सब पे आप अमूलचूल परिवर्तन देखेंगे। हमारा पहले दिन से उद्देश्य रहेगा कि स्वस्थ देवास, शिक्षित देवास। कब तक अभियान चलेगा ये? ये जब तक हम एक एक घर तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये अभियान सतत चलेगा। हम रोज 6 से 8 घंटे सभी वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम एक एक घर जाएंगे, एक एक लोगों को जागरूक करेंगे, झुग्गी झोपड़ियाँ जितनी भी जगह हैं वहाँ पाठ्य सामग्री देंगे, उनसे और भी बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि हमें जब चीज़ें समझ में आएंगी हम उस पर एक विजन डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी पारित करने वाले हैं। और अपने देवास को एक ही उद्देश्य है कांग्रेस का, अपने देवास को आगे बढ़ाना। जो 33 साल से हमारा देवास इतनी बुरी अवस्था में है और निगलेक्ट रहा है राजनीतिक रूप से, उसको उस 33 साल को हमें अगले 5 साल में पूरा करना है।